नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ जेडीयू के मंत्री संजय झा ने अदालत में गवाही दी है। आपको बताएं कि ये पूरा मामला साल 2018 का है, जहां पर मंत्री संजय झा की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि शिवानंद तिवारी ने संजय झा और उनके परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें कही है, और यही वजह है कि इन बातों को लेकर खुद मंत्री संजय झा ने शिवानंद तिवारी के खिलाफ जो शिकायत है वो दर्ज करवाई थी। मानहानि का जो केस है वो दर्ज करवाया, जिसे लेकर अदालत में सुनवाई की गई, और इस सुनवाई में खुद मंत्री संजय झा पहुंचे और उन्होंने अपनी गवाही दर्ज करवाई है। बता दें आपको कि राजद के नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ मानहानि के मामले में सोमवार को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विशेष अदालत में गवाही दी है। सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत में गवाह संख्या 4 के रूप में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने बयान में कहा है कि 7 अगस्त 2018 को शिवानंद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे और मेरे परिवार को लेकर बहुत ही अनर्गल बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने शिवानंद तिवारी को लीगल नोटिस भेजा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीडी भी अपने परिवाद पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे परिवार का राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपमान हुआ है। बचाव पक्ष की ओर से जिरह मंगलवार को भी जारी रहेगा। मंत्री संजय झा ने 15 सितंबर 1918 को मानहानि का शिकायत मुकदमा संख्या 4959C/2018 दाखिल किया था, जिसमें जांच के बाद अदालत ने भादवी की धारा 499 और 500 के तहत संज्ञान लेते हुए शिवानंद तिवारी के खिलाफ समन जारी किया था। और इसी मामले को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जो है वो विशेष अदालत में गवाही के लिए पहुंचे। बता दें आपको कि 7 अगस्त 2018 को शिवानंद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसे लेकर मंत्री संजय झा का कहना है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवानंद तिवारी ने संजय झा और उनके परिवार के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसे लेकर मंत्री संजय झा काफी ज्यादा आहत हुए, और यही वजह है कि इसे लेकर जो लिखित शिकायत है वो मंत्री संजय झा की तरफ से की गई, जो मामला है वो कोर्ट में दर्ज करवाया गया, जिसे लेकर कल अदालत में जो गवाही है वो जल संसाधन मंत्री संजय झा की तरफ से दी गई है। ऐसे में आगे भी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अदालत की तरफ से की जाती है, अदालत का क्या फैसला होता है, ये देखना जरूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो ये जानकारी सामने आई है, जहां पर साल 2018 का ये मामला है। शिवानंद तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री संजय झा और उनके परिवार के खिलाफ कई तरह की अनर्गल बातें जो है वो शिवानंद तिवारी की तरफ से कही गई, जिसे लेकर मंत्री संजय झा ने मानहानि का जो मामला है और जो लिखित शिकायत है वो अदालत में दर्ज करवाई थी, जिसे लेकर ये सुनवाई जो विशेष अदालत में है वो करवाई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।